तो कुछ इस तरह का तंदूर है और आप अंदर देख सकते हो कैसे ब्रेड गर्मा गर्म पक रहा है। यहाँ पे ये नान बन रहा है। वाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, यहाँ पे समरकंद ब्रेड है। समरकंद सोम। लोग काफी मेहरबान हो रहे हैं यहाँ पे, तो मेहरबान, थैंक यू, मेहरबानी। ये लगमान मैंने कभी ट्राई नहीं किया अभी तक यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में या सेंट्रल एशिया में। गुड मॉर्निंग समरकंद से, मैं अभी समरकंद में हूँ और कल मैं पहुँच गया था अपने हॉस्टल। रात को मैंने व्लॉग नहीं किया हॉस्टल में क्योंकि मन नहीं कर रहा था, तो मैं हॉस्टल जो है आज के व्लॉग में आपको दिखा दूंगा या तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखा दूंगा। ठीक ठाक का हॉस्टल है पर थोड़ा सा महंगा लगा मेरे को ये हॉस्टल, बट अभी फ़िलहाल ऑप्शन भी कम था मेरे पास और कोई काउच सर्फिंग होस्ट नहीं मिला समरकंद में, तो हॉस्टल का सहारा लेना पड़ा। बट जो भी है, अभी टेम्परेचर जो है ठंडा है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारा स्नो अभी भी पड़ा हुआ है, तो रिसेंटली बहुत स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे। तो अभी जो टेम्परेचर है समरकंद में वो है -1°C और फील्स लाइक भी -1 है। तो मैं बोलूँगा कि भाई वेदर बहुत अच्छा है, ज़्यादा ठंडा नहीं है और अच्छा फील हो रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग से जगह पे। एंड बाय द वे, समरकंद एक काफ़ी एंशियंट सिटी है और तो ये एक सिल्क रूट का रास्ता भी एक टाइम पे था यहाँ से चाइना तक का। और समरकंद अपने मोजिलियम, अपने मॉस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी एंशियंट सिटी है। तो अभी जिस जगह पर जा रहा हूँ वो इस जगह का नाम है आमिर तैमूर मोजिलियम, मतलब आमिर तैमूर का कबर जो टॉम होता है वो यहाँ पे है। तो मेरे हॉस्टल के पास में था तो मैंने सोचा कि यहाँ से शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ आमिर तैमूर के मोजिलियम में जहाँ पे उनका कबर है, और इस तरफ है मोजिलियम। और आई थिंक अंदर जाने के लिए टिकट देना पड़ता है, शायद $5 का टिकट है और मेरे को $5 पे नहीं करना है, तो मैं बाहर से ही इसको मैं देखूंगा और ऑब्ज़र्व करूंगा। तो आमिर तैमूर जो है एक काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा राजा था 13th century में, और आमिर तैमूर ने मुग़ल के साथ लड़ाई की, उनको हराया, फिर इंडिया में भी राज किया, इंडिया में भी काफ़ी बड़ा सल्तनत था उनका दिल्ली में। और यहाँ के लोग आमिर तैमूर को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। मैंने, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मतलब रास्ते में मैंने बनाया उज़्बेकिस्तान में, और एक जो मेरा अच्छा दोस्त है उर्गेंज में उसका नाम भी तैमूर है, तो तैमूर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो आमिर तैमूर का कब्र है अंदर में और काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि तैमूरिड डायनेस्टी का जो निर्माण है इन्होंने ही किया था, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रूल किया है सेंट्रल एशिया में। इनका फौज जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था उस समय, और इनका जो मौत है वो शिमकेंत में हुआ था जो कजाकिस्तान का और उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे इनका मौत हुआ था, शायद 58 ईयर्स में इनका डेथ हुआ था। तो सही है, मेरे को तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जिस तरह से ये मोजिलियम बना हुआ है काफ़ी सुंदर है। ये रहा आमिर तैमूर का मोजिलियम, बहुत ही सुंदर, जो सबसे ऊपर का जो डोम है वहाँ पे जो टाइल्स का काम किया हुआ है सबसे ज़बरदस्त दिख रहा है वो, और दो टोम है यहाँ पे और इसके अंदर आमिर तैमूर का डेथ बॉडी है। अच्छा जगह है विज़िट करने के लिए, बट यही है कि आपको पैसा देकर जाना पड़ेगा, और प्रॉब्लम नहीं है पैसे देने में, बट मेरे को अभी फ़िलहाल पैसे नहीं देने हैं। बहुत मैंने पैसे दे दिए पिछले काफ़ी टाइम में म्यूज़ियम्स वगैरह के लिए, तो अभी फ़िलहाल मैं म्यूज़ियम को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, मतलब अंदर का जो भी रहता है। बट अगर आप कभी भी आते हो यहाँ पे और आपको इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री म्यूज़ियम, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे $4 लगता है शायद यहाँ पे अंदर एंटर करने के लिए, तो $4 आप देंगे आप एंटर कर सकते हो। आज का जो वेदर है थोड़ा ओवरकास्ट है, धूप निकला है पर धूप में थोड़ा सा भी दम नहीं है और काफ़ी ज़्यादा बादल है, और आज आसार ये है कि शाम को स्नोफॉल भी होने वाला है, पता नहीं अगर स्नोफॉल होगा तो देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल वेदर ठीक है, ठंडा है पर इतना भी नहीं है जितना पहले था, और जिस तरह से उंगली में दर्द होता था उस तरह का ठंडा फ़िलहाल अभी नहीं है। रख मत, रख मत।
वाओ मिनिया जाबुत आशीष हिंदुस्तान हिंदुस्तान नमस्ते ब्लॉगर ब्लॉगर वेरी गुड नाम नाम रिबोश्का नान तो तो यहाँ पे ये नान बन रहा है वाओ वेरी गुड तो यहाँ पे नान बन रहा है और फ्रेश नान बन रहा है तो मैं वही सोचा कि आपको भी थोड़ा दिखा दूँ और मैं भी देख लूँ क्योंकि उज्बेकिस्तान में नान बहुत फेमस है और यहाँ का नेशनल ब्रेड है ये और नाम इसे नाम नाम समरकंद नान तो समरकंद नान अभी पता नहीं एग्जैक्टली ब्रेड का नाम क्या है तो कुछ इस तरह का बनने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है और यहाँ पे तंदूर है वाओ तो ये अंदर तंदूर है तंदूर के अंदर ब्रेड बन रहा है तो कुछ इस तरह का तंदूर है और आप अंदर देख सकते हो कैसे ब्रेड गर्मा गर्म पक रहा है और ये बहुत सुंदर लग रहा है काफी सही है और यहाँ पे बन के ब्रेड निकला हुआ है और बहुत सारे ब्रेड गुड गुड वेरी नाइस थैंक यू रहमत मज़ा आ गया मैं एक ब्रेड फैक्ट्री में हूँ और मैं बाहर से जा रहा था मैंने देखा कि ब्रेड बन रहा है तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं देख सकता हूँ और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो उन्होंने बोला आ जा भाई तो ये कुछ इस तरह का है यहाँ का माहौल और कुछ इस तरह का उज्बेकिस्तान में नेशनल ब्रेड बनता है बहुत सुंदर है और काफ़ी गर्मा गर्म है ये सो खाने में जो मज़ा आएगा ना चिकन उकन के साथ तो वाओ ओके बाय रहमत बाय तो ये है वो जगह जहाँ पे ब्रेड बेक हो रहा था और मैं लकी हूँ कि मुझे अंदर आने दिया गया और अच्छा एक्सपीरियंस था ये देखकर कि कैसे उस बेक ब्रेड बनता है काफ़ी मज़ा आया मेरे को बहुत सही था चिकन ओके वेरी नाइस इंडिया तो यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है ये कुछ KFC का कॉपी है ये कुछ इस तरह का है गुड खरोशो अभी मैं आ चुका हूँ बाजार के पास पर आज मंडे है और मंडे को समरकंद का बाजार बंद रहता है तो इस तरफ बाजार है बाजार आज बंद है इट्स क्लोज टुमारो बाजार टुमारो और समरकंद ब्रेड तो ये वो नान है जो मैं अभी थोड़ी पहले आपको दिखाया था जो बन रहा था तो ये वाला नान है ठंडा है पर और ये वाला जो नान है ये समरकंद नान है ये सिर्फ समरकंद में मिलता है तो काफी सुंदर है ये समरकंद नान तो इसका 10,000 सोम है और इसका 4,000 सोम है हेलो अस्सलाम वालेकुम तो मैं बाजार में तो यहाँ पे मंडे क्लोज बाजार टुमारो ओके जाफ्त्रा ओके तो बाजार के बाहर ही एक छोटा सा बाजार मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे लोग ब्रेड बेच रहे हैं फल बेच रहे हैं सब्जी बेच रहे हैं सलाम वालेकुम तो काफी सारे लोग हैं यहाँ पे मुझे को देख रहे हैं हमें मतलब उसको लग रहा है कि कौन आ गया यहाँ पे एलियन की तरफ व्लॉग बना रहा है तो नमस्ते ब्रेड यू आर सेलिंग ओके तो यहाँ पे बाजार छोटा सा बाजार लगा हुआ है तो मेन बाजार ये था पर ये आज बंद है तो इसके बाहर में छोटा सा एक बाजार लगा हुआ है तो मसाला वगैरह फल वगैरह अंडा वगैरह सब बिक रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान राज कपूर यस तो यहाँ पे भी ब्रेड सेल हो रहा है यहाँ पे समरकंद ब्रेड है सोम अच्छा 10,000 सही है तो कुछ इस तरह गरम गरम है यार बहुत सही है हिंदुस्तान रहमत हाँ
तो मुझे दे रही है टेस्ट करने के लिए, रहमत रहमत रहमत। तो मैं टेस्ट करता हूँ यहाँ पे, लोग काफी मेहरबान हो रहे हैं यहाँ पे, तो मेहरबान, थैंक यू, मेहरबानी। गुड, वेरी नाइस, आई लाइक इट। काफी सॉल्टी और काफी टेस्टी और काफी गरम गरम ब्रेड है, आई लाइक इट, वेरी गुड वेरी गुड। रहमत, सही ब्रेड है ये, सिर्फ समरकंद में मिलता है ये वाला ब्रेड। और ये ब्रेड का सबसे बेस्ट पार्ट है कि बहुत शाइनी है, बहुत शाइन कर रहा है, पता नहीं कैसे बनाए इनको पर बहुत शाइनी है, अच्छा लग रहा है टेस्ट करके ये। बहुत सही ब्रेड है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, सलाम अलैकुम। तो यहाँ पे हिंदुस्तान बोलने के बाद लोग काफी पसंद कर रहे हैं और सारा बॉलीवुड एक्टर का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है और यहाँ पे मसाला वगैरह सेल हो रहा है, तो काफी सारे मसाले हैं यहाँ पे, तो कुछ तो इंडियन मसाले भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये धनिया है यहाँ पे, मिर्ची है, जीरा है। काश आज बाजार खुला होता तो मज़ा आता बाज़ार में, बट बाज़ार आज बंद है तो बाज़ार में एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा एक मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे बाज़ार के बाहर, तो मैं वही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किमची वगैरह सैलड वगैरह सेल हो रहा है, तो काफ़ी सारे सैलड वगैरह यहाँ पे सेल हो रहा है। एक्चुअली मैंने उज्बेकिस्तान में देखा है कि कोरियन इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो कोरियन खाना, कोरियन लैंग्वेज काफ़ी लोग ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं, बोलते भी हैं कोरियन में, तो सरप्राइज़ हो गया था कि लोग कोरियन बात करते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे। यहाँ पे सब्जी वगैरह, अंगूर वगैरह, अस्सलाम वालेकुम, अंगूर, और यहाँ पे अखरोट, नाम खुरमा, तो ये फ्रूट अजरबैजान से मेरा पीछा कर रहा है, और यहाँ पे भी है हनी, हनी यहाँ पे हनी सेल हो रहा है, तो ये फ्रेश हनी है, मसाला है यहाँ पे, सलाम अलैकुम। और यहाँ पे सब्जी, यहाँ पे धनिया, लहसुन वगैरह, यहाँ पे ये स्प्रिंग अनियन है, तो यहाँ पे फ्रेश सब्जी वगैरह सेल हो रही है यहाँ पे, तो काफी सही सा मार्केट है, छोटा सा मार्केट है पर काफी अच्छा है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। उज़्बेकिस्तान विंटर्स में काफी सुना सुना लगता है, एकदम खाली खाली सा है, कोई लोग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है, अलग सा यहाँ का माहौल हो रखा है, वरना समरकंद जैसा जगह इतना पॉपुलर है, इतना टूरिस्टी डेस्टिनेशन है कि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बट अभी फ़िलहाल आप देख लो मैं अभी मेन सेंटर में हूँ बट यहाँ पे लोग नहीं है, तो कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे। वे थोड़ा बहुत धूप निकला है, आज का जो मौसम है वो थोड़ा ओवरकास्ट है, धूप का जो रोशनी है बहुत हल्का है, तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और सोच रहा हूँ कि लंच कर लूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ एक रेस्टोरेंट में, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत ही ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है, मैंने बहुत मुश्किल से ये रेस्टोरेंट ढूंढ के निकाला है अपने हॉस्टल के पास में, तो मैं नाम बता दूंगा। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक चीज़ में नोटिस किया है कि जो पुलाव होता है समरकंद में 12 बजे के बाद नहीं मिलता है, तो आपको अगर पुलाव खाना है तो 12 बजे के पहले खाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा बट यहाँ का ये सिस्टम है, 12 बजे तक पुलाव ख़त्म हो जाता है, और जिस जगह पे आऊँ इस जगह पे पुलाव बहुत हाई डिमांडिंग है, तो पुलाव बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो अब कुछ कर नहीं सकते, पुलाव मेरा अब खाने का बहुत मन था तो मैं पुलाव नहीं खा पा रहा हूँ, तो अभी मैं लगमान ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग सा है, जो थोड़ा सूपी लगमान है, तो मैं लगमान और एक सामसा, जो तंदूर सामसा मेरा फेवरेट है, यहाँ पे दो सामसा मिलता है, एक तो बेक मिलता है पफ टाइप का जो पैटी टाइप का होता है, और एक होता है तंदूर जो टिपिकल तंदूर में पकाया जाता है जो, और मेरे यहाँ पे एक जना बैठे हुए लोकल, तो अस्सलाम वालेकुम। तो इन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि भाई यहाँ का पुलाव बहुत टेस्टी है और मिस मत करना, कल जैसे भी आके यहाँ पे दोपहर में 12 बजे तक खा लेना, टुमारो आई विल कम टू ईट पुलाव हियर, गुड पुलाव हियर, वेरी ब्यूटीफुल। एंड यू आर ईटिंग शुरपा, तो ये शुरपा खा रहे, ये भी एक लोकल डिश है जो मैं पता नहीं कब ट्राई करूँगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है मैं उज़्बेक खाना मैं ट्राई करूँ, तो इन्होंने मुझे चाय ऑफर किया यहाँ पे, तो थैंक यू फॉर चाय, थैंक यू। तो अभी बाहर फिर से ठंड बढ़ चुका है, अभी -5 में पहुँच गया टेम्परेचर, तो अब मैं चाय, लगमान और सामसा इन्जॉय करूँगा। ठीक, ओके,
I'm gone. You don't want to eat? For you. Oh, thank you so much. वो बोल रहे हैं कि चाय और ब्रेड मेरे लिए है. You are over. You done. For you, present. Thank you so much. Bye bye. You're welcome for some cafe. Thank you so much. Thank bye. You. Bye. पता नहीं लोग कैसे कैसे हैं. Yes, one Samsung. Yeah. तो पता नहीं लोग कैसे कैसे मिलते हैं मेरे को यहाँ पे. मैं बस यहाँ पे आके बैठा और वो पूछे कहाँ से हैं. मैं बोला इंडिया से हूँ, टूरिस्ट हूँ. और मैंने अपना खाना ऑर्डर किया, वो भी मुझे सजेस्ट कर रहे थे. और अभी जाने के पहले उनका ब्रेड था, उन्होंने दो ब्रेड ऑर्डर किया था, तो एक मेरे लिए उन्होंने रख के गए और एक यहाँ पे पूरा का पूरा केटली का चाय उन्होंने बोला कि भाई तुम पी के जाना. तो अमेजिंग लोग हैं यार समरकंद. तो यहाँ पे आ चुका है मेरा सूपी लगमान. और ये लगमान मैंने कभी ट्राई नहीं किया अभी तक यहाँ पे उज्बेकिस्तान में या सेंट्रल एशिया में. यहाँ पे मेरा तंदूरी सामसा जो बाहर आप देख रहे हो, ये तंदूर में पकाया गया है ये सामसा. यहाँ पे सामसा के लिए चटनी, चाय, ब्रेड. तो ये है मेरा आज का लंच और इसका मैं 20,000 सोम पे कर रहा हूँ. तो मैं टोटल बता दूंगा कि मैंने कितना पे किया है. मतलब सामसा 6,000 सोम का है और ये 20,000 सोम का है, तो मैं टोटल बता दूंगा. ये खाना देख के मुंह में पानी आ रहा है, पर जो भी बोलूँ मैं सेंट्रल एशिया में अभी तक मैं कजाकिस्तान में था, उसके बाद मैं अभी उज्बेकिस्तान में हूँ. तो उज्बेकिस्तान का जो खाना है ना वो टॉप क्लास है, कजाकिस्तान से भी अच्छा है, झूठ नहीं बोलूँगा. कजाकिस्तान से ज़्यादा इसका मेन्यू वाइड है और बहुत ही वैरायटी है और बहुत ही टेस्टी है. तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे खाना खा के. तो अब इसको ठंडा नहीं होने देते हैं और फटाफट खा लेते हैं.